आज मैं मास्टर शेफ के किचन के अंदर एज इंडियाज टॉप 4 होम कुक्स घुस रही हूँ. इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट फीलिंग और जितनी ज्यादा प्राउड हूँ उतना ही ज्यादा हम्बल्ड भी फील कर रही हूँ. I've made my parents proud, my friends proud, myself proud, and I've made India proud कि मैं इतनी एज में यहाँ तक पहुँच गया, and it's a massive achievement. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप 4 तक जाऊंगी एंड अपने नाम का शेफ कोट पहनूंगी. अब वो और ग्रीडी मन हो रहा है कि अब तो बहुत क्लोज आशमा, यू हैव टू डू इट एंड मास्टर शेफ ही बनना है अब तो. जो भी चैलेंजेस आए मैंने हमेशा 100% दिया है एंड आई एम प्राउड कि वो 100% मुझे आज इस मंच पे खड़ा किया है कि मैं फिनाले तक पहुंचा हूं. दिस इज अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया. दिस इज इट द ग्रैंड फिनाले. और अब पूरे 12 हफ्ते के इंतजार के बाद हमारा मास्टर शेफ किचन तैयार है स्वागत करने के लिए हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट को. सबसे पहली नजर मेरी ऊपर बालकनी में गई वो फुल थी, मतलब ऑल ड्रेस कंटेस्टेंट. किचन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किचन के फर्स्ट डे पे देखी थी. आज भी हम 16 लोग इस किचन में हैं और पहले दिन भी हम 16 लोग किचन में थे. पहले दिन भी हमारे सामने वो ट्रॉफी और वो गोल्डन शेफ कोट था. आज भी हमारे सामने वो ट्रॉफी और वो गोल्डन शेफ कोट है. हमारी तस्वीरें लगी हुई है, बड़े बड़े तस्वीर, साथ में एक स्कोर बोर्ड भी है फुल ऑफ लाइट्स. सारे जजेस देयर इन अ सूट इन अ टक, दे लुक अमेजिंग. ऐसा लग रहा है कि कोई अवार्ड सेरेमनी, कोई फंक्शन है. एंड वेयर द चीफ गेस्ट. आज आप चारों के जुनून का सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा और इस इम्तिहान के पहले चैलेंज के लिए आ रहे हैं हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट. इंडियन क्विजीन को रीइन्वेंट करके इन्होंने पूरी दुनिया के सामने पेश किया है. मिशलिन स्टार जीतने वाले हिंदुस्तान के सबसे पहले शेफ, जिनके पूरी दुनिया में 14 टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि बनारस इन लंदन, लीमा एंड एनआरआई इन मुंबई, सिंधु ऑन पीएमओ क्रूज शिप. ही इज ऑल्सो द विनर ऑफ टीएमजी कॉर्दब्लो अवार्ड. मास्टर शेफ किचन का फिनाले है. आई नो इट वोंट बी इजी, बट इतना डिफिकल्ट. एक ऐसे शेफ जिन्होंने हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए कुक किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कुक किया है, एन ऑथर ऑफ 5 सुपर सक्सेसफुल कुक बुक्स, एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शेफ. प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम लंदन, शेफ अतुल कोचर. I always wanted to be like him. Mera aspiration tha ke unke saath shayad kaam karunga, unki tarah banunga. So for me, he's my hugest idol. Aisa koi insaan nahi hai jo cooking ki duniya se relate karta hai aur wo Atul Kochar ko nahi janta. And aaj wo is kitchen mein aa rahe hain. Chef Atul, aaj hamare charo honhar home cooks ग्रैंड फिनाले में है. आप इनके लिए क्या चैलेंज लाए हैं? कुणाल, जो मैं इनके लिए चैलेंज लेके आया हूं वो मैं इनको बताता नहीं हूं. आज मैं इनको दिखा देता हूं. आई हैव नो आइडिया कि आज फिनाले में क्या होने वाला है, बट ये बताएं कि इट वोंट बी इजी. शैल वी गो? Thank you.
ये है मेरी सिग्नेचर डिश जिसको मैं कहता हूँ चना साग गोश्त। ये डिश ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में होती है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी अवतार में। मेरी फैमिली पंजाब से आती है बट मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ था जो कलकत्ता के पास है, और वहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत डिश है मंगशो घुगनी। लैम और चिकपी को एक साथ बनाया जाता है, सो उन दोनों चीज़ों को लेके मैंने ये डिश क्रिएट की। और साग मेरा अपना इन्फ्यूजन था बिकॉज पंजाबी हूँ, साग गोश्त कैसे भूल जाऊँ। तीन चीज़ें मैंने बता दी, लैम है, चिकपी है और स्पिनच है। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर दैट इज ए फ्रिटर, एक तरह का पकौड़ा बोल सकते हैं आप, वो भी चने से बनाया है। आप जब उसको बनाएंगे तो उस पर जरा ध्यान देंगे कि आप कितना फेटा डालते हैं और कितना चिकपी इस्तेमाल करते हैं, ओके? क्योंकि आपने उसको डीप फ्राई करना है। मैंने हुमस का इंस्पिरेशन लिया है लेकिन मैंने हुमस अपने तरीके से बनाया है। टेक्स्चर है हुमस का, मसाले हैं हुमस में जो कि रियल हुमस में नहीं होते हैं, सो इसका नाम मसाला हुमस रखा है मैंने। इसमें दो तरह के लैम मैंने यूज़ किए, वन इज लैम रैक और दूसरा इट्स लैम रम्प विच कम्स फ्रॉम द लेग ऑफ लैम। एक पार्ट बहुत ही जेंटल है जो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, दूसरा पार्ट इट कम्स फ्रॉम द लेग एंड लेग ऑफ एनिमल एक्सरसाइजेज अलॉट, सो वो थोड़ा टफ होता है, तो उस पर आपने अलग तरह की कुकिंग इस्तेमाल करनी है। सो दो तरह की कुकिंग हुई है। सो दिस पार्ट द रम्प पार्ट वी आर गोइंग टू कुक इन वाटर बाथ। सो आप प्लास्टिक बैग में यूज दैट कट ऑफ मीट, उसके साथ थोड़ा ऑयल और थोड़े मसाले डाल के आप वैक्यूम पैक करोगे। एंड वैक्यूम पैक इज डन इन डिफरेंट स्टेजेस, आपने मीडियम पैकिंग देनी है। अगर बहुत ज़्यादा टफ करोगे, बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर दोगे एयर, तो वो फट जाएगा मसालों की वजह से, सो यू डोंट वॉन्ट दैट। एंड यू विल कुक इट फॉर 33 मिनट्स। फिर वहाँ से निकाल के आप गरम तवे पर या पैन पर इसको सील करोगे, रम्प को गरम मसाले और सॉल्ट के साथ डस्ट करके अवन में 2-3 मिनट फिनिश करोगे, ओके? अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है वाटर बाथ में आपके मीट को कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन, लेकिन अगर आपने अवन में ज़्यादा छोड़ दिया आपका रम्प एकदम ड्राई हो जाएगा एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए फेलियर। And then the last texture of chickpea is, I call it chickpea soil. आप चने को फ्राई करते हो, उसको निकाल के उसमें फिर वही मसाले इस्तेमाल करते हो, बट इस बार थोड़ा मैंगो पाउडर इस्तेमाल करते हो उसको खट्टा बनाने के लिए। Come on, taste it now. जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ था वो कहीं ना कहीं इस तरह से नीचे आने लग गया, क्योंकि इस किचन में जो लास्ट चैलेंज हुआ था लैम डिश को कंप्लीट करना था, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था और मैं एलिमिनेशन चैलेंज में गई थी। तो हम कुक्स आज के चैलेंज में हम चारों आपको स्कोर्स देंगे, स्कोर्स आउट ऑफ 10। बॉटम टू डिशेस बनाने वाले होम कुक्स अपने दोस्तों को ऊपर ज्वाइन करेंगे और टॉप टू डिशेस बनाने वाले होम कुक्स अपने स्कोर्स को अगले चैलेंज में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सो होम कुक्स, गेट टू योर बेंचेस। होम कुक्स, आज के इस चैलेंज के लिए आपके पास हैं पूरे 2 घंटे, और इस डिश बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो सारे के सारे मौजूद हैं आपके काउंटर्स पर। साथ ही मौजूद है रेसिपी, लेकिन क्योंकि फिनाले है, एक छोटा सा ट्विस्ट। आप लोगों ने वो अमेजिंग क्रीमी हमस टेस्ट किया था, उस एक एलिमेंट हमस की रेसिपी आप में से किसी के पास नहीं होगी। यानी कि हमस जो इस वंडरफुल डिश का एक की एलिमेंट है, वो आपको सिर्फ अपने टेस्ट के बेसिस पे ही बनाना होगा। बहुत ही आसानी से उन्होंने ये कह दिया कि उस हमस की रेसिपी हमें नहीं मिलेगी। आप सबके 2 घंटे शुरू होते हैं अब।
आज हमें जो डिश बनानी है वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही है बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस इस किचन में लैम के साथ बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं रहा है, बट सिर्फ पॉजिटिव्स में फोकस कर रही हूँ सो दैट आई कैन पुट अप अ वेरी गुड डिश टुडे। फिनाले का चैलेंज है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आई एम रियली पम्प्ड एंड होपफुली सब अच्छा होगा। अशोक कौशल मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। जब भी मैं सोचूं एक शेफ के बारे में, ही इज द फर्स्ट वन दैट कम्स टू माय माइंड फ्रैंकली। सो आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी डूइंग इट। सबसे पहले मैं मसाले बना रहा हूँ क्योंकि जो गरम मसाला है वो सब में है, जो कंटिन्यूएशन ऑफ फ्लेवर्स है, ताकि ये मसाला मेरे लिए तैयार रहे और साइड में रहे। मैंने अपना जो लैम रम्प है, क्योंकि मेरे को उसको 33 मिनट्स के लिए एग्जैक्टली कुक करना है, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले मैरिनेट किया सॉल्ट और पेपर्स के साथ। उसको अच्छे से मैरिनेट करके मैंने साइड पे रखा। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, तो क्या क्या कर लिया अभी तक आपने? अभी तक मैंने जो बोन्स है रोगन जू के लिए वो अवन में है, दोनों मसाले तैयार है, चना मसाला के लिए गरम मसाला तैयार है, जो रम्प है मैंने उसको वैक्यूम सील किया है, चने भी लगभग उबल गए हैं। तो अभी मैं जो रोगन जू का जो वेजिटेबल्स है उसका मीज़ोन प्लास कर रहा हूँ। दिनेश, हिंदुस्तानी खाने की जो मेन रूह है वो है इन मसालों में। जी, थोड़ा पीसें और तभी पीसें जब आपको खाने में उसको डालना है। ये हो गया आज का आपका अमूल का नुस्खा। नुस्खा, थैंक यू, वेल डन। होम कुक्स, स्टे वेरी फोकस्ड, ये डिश आसान नहीं है। सो गाइस, अब मैं जू बनाऊंगी, इसलिए मैंने उसके लिए एक पैन में मैंने वेजिटेबल्स को थोड़ा ऑयल डाल के वेजिटेबल्स कुक करने रख दिए, क्योंकि वो भी ब्राउन होंगी तभी हमें एक वो डीप इंटेंस यू का फ्लेवर मिलेगा। जू का डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रेंच से जूस होता है, एक वो एक सॉस होता है ग्रेवी की तरह, और वो काफ़ी पतला रहता है, लेकिन साथ में उसके एक सारे फ्लेवर्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और फ्लेवरफुल रहता है। कीर्ति, कैसा चल रहा है? शेफ, बहुत अच्छा चल रहा है। शेफ, दो मिनट प्लीज। कहाँ जा रहे हो यार? सॉरी। कीर्ति, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी को मिलने गया हूँ अपनी किचन में और वो भाग जाए। अगर मैं अपने किसी कुक से बात करूं और वो चला जाए तो मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। बट एनीवे, ये क्या किया आपने बताइए? शेफ, ये जो रोगन जू है वो बन रहा है, चना मसाला रेडी है, सूवी में अभी 5 मिनट हुए हैं लैम को, एंड स्पिनच बॉईल कर रही हूँ। चना आपका कितना हो गया? शेफ, चना रेडी है। रेडी है जी। आप खुश हैं उसे? हाँ, खुश हूँ, मैंने टेस्ट किया है, बार बार टेस्ट करके। मैं टेस्ट कर लूँ? हाँ प्लीज। कैन आई यूज योर स्पून? यस प्लीज। आपने टेस्ट किया? किया, और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी नींबू की जरूरत है, जो मैं लास्ट में डालूंगी। अगर आपको लग रहा है तो आप देखिए आपको क्या करना है, लेकिन चार एलिमेंट्स हैं, चारों आपने बनाने हैं, अभी सिर्फ एक एलिमेंट तैयार हुआ है, 1 घंटा बाकी है। राइट, तो पुश योरसेल्फ, ठीक है, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। हेलो, कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। मेरा जू जो है वो रेडी हो रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला अभी, क्योंकि ये मुझे कम लग रहा था पानी। और थोड़ा हड्डी के अंदर तो कोई पानी नहीं होता। yes. तो पानी तो डालना ही पड़ेगा। yes. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और पानी डालूं कि इतना पानी काफी रहेगा? ये मैं कैसे बता दूं आपको? आई थिंक आई ट्राई ओके। क्या क्या हो गया ये बताइए। मेरा अभी सूवीट से मेरा जो लैम्प है वो बाहर आया है। आपने सूवी से बाहर निकाल लिया लैम्प? यस। अगर आपने डिसीजन लिया है ये निकल सकता है बाहर और आप इसको ऐसे बाहर रख सकते हो, यस, ये आपके लिए काफी
मुश्किल का पॉइंट हो सकता है। चने अभी तक आपके यहीं पड़े हुए हैं जी, मैं अब इसका मसाला, चना मसाला बना रहा हूँ, उसका मीजा कर रहा था और इसके साथ साथ मैं अपना स्पिनच को चने का सबसे ज्यादा काम है। यस गेट गोइंग माय फ्रेंड। यस यस, अगर ये पीछे रह गया तो कुछ नहीं हो पाएगा जी। एक घंटा बाकी है, डू योर बेस्ट, पुश योरसेल्फ, गिव इट अ गो, आई नो यू कैन डू इट, यू आर अ गुड लैड। यस गेट ऑन विद इट। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज फिनाले है एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग डे। चारों होम कुक्स जो है एकदम लगे हुए हैं, अपना पूरी जी जान से, मेहनत से, एकदम 100% जुटे हुए हैं, मतलब उनसे मेरी आंख नहीं हट रही है एंड सब के सब बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। आई एम टू एक्साइटेड, इट्स वंडरफुल। अब मेरे को मल्टीटास्किंग करके ही ये डिश कंप्लीट कर सकता हूँ, अगर मैंने मल्टीटास्किंग नहीं करी मेरी डिश नहीं कंप्लीट होगी और मैं आज कुछ भी सर्व नहीं कर पाऊंगा एंड इट विल बी अ शेम और मी कि मैं फिनाले पे भी आके एक डिश को कंप्लीट नहीं कर पाया। कम ऑन गाइस, बक अप। मैं देख रहा हूँ कि मेरे छोले भी तैयार है, अब मैं सोच रहा हूँ कि सारे जो छोले के कंपोनेंट्स हैं मैं उसको प्रिपेयर करूँ। सबसे पहले मैं हमस को टैकल कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो गाइड है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेस्ट बड्स है आज, तो उन पे थोड़ा मुझे ध्यान देना है, थोड़ा वक्त भी लगेगा, तो उसको पहले टैकल कर रहा हूँ। कम ऑन गाइस, कम ऑन। क्या चल रहा है पहले ये बताओ यार। जो मैंने चढ़ा दिया है वो रिड्यूस हो रहा है। ये जो है मैं देख लूं जी। प्याज को अच्छा से सॉटे किया था आपने? जी मैंने किया था। ओके, और चना मसाला बना रहे हैं आप? जी। और बाकी चना आपने साइड में रखा है, इससे क्या बनाएंगे? इससे मेरे आप सॉयल बनेगा और मेरे फ्रिटर्स बनेंगे। सॉयल और फ्रिटर उससे बनाएंगे और इससे क्या क्या बनाएंगे आप? अच्छा मैं बस चना मसाला बना रहा था, जब मैंने रेसिपी पढ़ा मेरे हिसाब से जैसे मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि ये चना जो हम सॉयल के लिए यूज़ करेंगे जो ये प्लेन रहेंगे, चना मसाला नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और आप हुमस किससे बना रहे हो? हुमस मैंने इसी से बनाया है, वो सेपरेट है, मैंने बना दिया है। आपने हुमस इससे बनाया? जी, सर्विंग करने से पहले और सीजनिंग भी एडजस्ट करने वाला हूँ। आपको लगता है कि जैसा मैंने बनाया था आप वैसा बना रहे हो? ये एक एलिमेंट प्लेट का ऐसा है जिसकी मैंने आपको रेसिपी नहीं दी, जो मैं चाहता था आप टेस्ट करें और मेमोरी से उसको रिक्रिएट करें। अगर मैं ज़्यादा सोचूं शायद तो मुझे लग रहा है कि इसमें खटास थोड़ी कम है, ऊपर से आई थिंक मैंने गुलाब पत्ते नहीं डाले हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये आपकी खुद की थिंकिंग है। मैं दोबारा चेक करता हूँ। प्लीज ट्राई करें। होम कुक्स ग्रैंड फिनाले का पहला चैलेंज, द स्टेक्स डू नॉट गेट बिगर देन दिस। एक नजर घड़ी की ओर, सिर्फ 45 मिनट बाकी। कम ऑन गाइस, गिव इट अ बेस्ट शॉट। ओडल ओडल ओडल, गुड जॉब। सो गाइस, फिनाले है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे हमस बनाना है, मुझे वो चने का सॉयल बनाना है और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे वो लैम्ब कुक करना है। बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी हैं बट आई एम रियली पम्प्ड एट दिस टाइम कि आज मुझे सब कुछ लगाना है और मुझे किसी भी तरह फिनिश लाइन तक पहुंचना है। अब मैं लैम्ब शुरू करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने लैम्ब रम को मैरिनेट करके स्पाइसेस डाल के उसको वैक्यूम सील करके सूवी में डाल दिया है। अब उसे एटलीस्ट 33-35 मिनट वो कुक होगा सूवी में, बस उसे मैं सर्व करने से पहले ही निकालूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी इस डिश में कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे होम कुक्स को सबसे ज़्यादा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। फोकस करने वाली बात चने मसाले की है, बिकॉज सारी ट्रिक वहीं से शुरू होती है, बिकॉज द होल डिश इज आउट ऑफ नॉस्टैल्जिया। स्मोक चना, चने के टेक्सचर्स और उसके साथ मीट कुक किया हुआ। आई थिंक द ट्रिक इज टू कुक द सॉस, जो कई लोगों ने गलत किया है मेरे हिसाब से, दे कैन ब्रिंग इट अराउंड। उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसके प्याज और अनियन और कैरेट वगैरह उन लोगों ने कलर नहीं किए, कलर ऐसे अच्छा रोस्ट नहीं किया। रोस्ट करना चाहिए, इवन पैन में भी सॉटे कर, एब्सोल्युटली जो रूट वेजिटेबल्स को ब्राउन करना जरूरी है, ब्राउन करना चाहिए, उन्होंने ब्राउन नहीं किया। सो दैट्स बिट ऑफ अ ट्रिक एंड आई थिंक
हम लोगों को एक दो हार्ट एक्स मिलेंगे वहां पर। मुझे हुमस की बड़ी ज्यादा चिंता है। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाला था, क्योंकि हुमस बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे हुमस जैसा मैंने बनाया था वैसा चाहिए, और मैंने उनको समझाया भी था कि सारे मसाले हैं उसी में। आई थिंक आज एक छोटी सी गलती और हमारे पीछे जो ये इतना खूबसूरत सा मास्टर शेफ का कोट है, उस रेस्टोरेंट की चाबी और ये ट्रॉफी और मास्टर शेफ का किताब इनके हाथ से निकल जाएगा। फिर मैंने अपना हमस जो है, जो इस डिश का मेन एलिमेंट है, उसके लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला, थोड़ा सा तहिनी डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा चना मसाला डाला, क्योंकि चना इस डिश का मेन कोर इंग्रेडिएंट है। उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल के उसको मैंने ब्लिट्स किया। आई एम हैप्पी विद माय हमस, बट मेरे को अभी और भी एलिमेंट्स बनाने हैं। वेरी गुड। मैंने वो कुक चना मसाला लिया एक मिक्सी में, उसमें मैंने गार्लिक थोड़ा और ऐड किया, मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला, कोरिएंडर डाला, और उसमें मैंने थोड़ा सा रोज पेटल्स डाले, क्योंकि मुझे लगता है कि रोज पेटल्स जो है वो एक मिडिल ईस्टर्न इफेक्ट देगी हमारे हमस को। ये सब डाल के मैंने उसे मिक्सी किया। आई होप ये जो मैंने हमस बनाया है अपने खुद की इनोवेशन के साथ, ये बस मुझे बाकी सबसे बेटर हो और मुझे एक सेफ पॉट में डालने के लिए इनफ हो। कम ऑन गाइस, सिर्फ 20 मिनट बाकी, कम ऑन, रश रश रश। मास्टर शेफ की जो एक्साइटिंग जर्नी है, इट्स गोइंग टू एंड इन फिनाले, और आज वही यहाँ पे हो रहा है। एक्साइटमेंट के साथ साथ प्रेशर और टेंशन भी बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि इट्स डाउन टू द लास्ट रेस राउंड। कि चारों चाहते हैं कि मास्टर शेफ कोट उन्हें मिले, और उसी के लिए सब काम कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है। मेरा पाउडर है वो रेडी हो चुका है, मेरा फ्रिटर्स रेडी हो चुके हैं, मेरा साग रेडी हो चुका है, मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मैंने अपने लैम को निकाला, उसको अच्छे से काटा, वो अंदर से जूसी पिंक है, बाहर से ब्राउन है, मैंने उसके पीसेस काटे। Perfect. मैंने अपना जो जू है उसको निकालने के लिए मैंने जो भी मसाला है मैंने उसको एक स्ट्रेनर में डाला, अच्छे से स्ट्रेन किया, जितना इतना सा भी सॉस निकाला मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला, मैंने थोड़ा सा बटर डाला, मिक्स किया, टेस्ट किया। उसमें नमक ज़्यादा, मुझे अभी ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो दो लोग हैं जो आज इस किचन को छोड़ के जाएंगे, उनमें से एक मैं ही होऊंगा, क्योंकि मेरे कोई भी एलिमेंट अभी तक प्लेट पे नहीं गए हैं। मैं अपने लैम को स्लाइस कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत मुश्किल आ रही है स्लाइस करने में, तो मुझे टेंशन होने लगी कि ये बहुत आसानी से स्लाइस होना चाहिए, तो अगर ये मुश्किल हो रही है स्लाइस होने में, हो सकता है ये अंडर कुक्ड हो। और जैसे ही मैंने पूरा स्लाइस किया तो वो अंदर से अंडर कुक था। अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी तक खाना लगा रहा होता प्लेट में। इससे ज्यादा टाइम मत लीजिए। गुड जॉब। तभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, आई हैव टू कम्पोज माई सेल्फ, दिस इज़ द फिनाले, मुझे किसी भी तरह एक अच्छी परफेक्ट डिश बनानी है और अपने आप को सेव करना है। go, go. तो मैंने वो लैम, मैंने सोचा मैं उसे थोड़ा और कुक करूँगी, मैं अंडर कुक लैम नहीं सर्व कर सकती। मैंने मेरा पैन रेडी था, मैं इसी में मैंने पैन अपने लैम रैक को 1 मिनट के लिए और कुक किया। सिर्फ एक सजेशन, टेबल पर इस वक्त आपकी प्लेट दिखनी चाहिए। जो भी खाना है वो प्लेट पे आना चाहिए। होम कुक्स, प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू शाइन, कम ऑन गाइस।
रेटिंग के लिए मेरे पास यही एक थॉट है कि वही करना है जो शेफ ने किया है, तो आई एम मेकिंग श्योर मैं सब कुछ बहुत ध्यान से डालूं और सब कुछ पाइप करके डालूं ताकि कुछ आउट ऑफ प्लेस ना लगे। लास्ट 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's it. मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। एक तो ये एक सेवरी डिश है, ऊपर से ये शेफ अतुल की डिश है, ऊपर से ये एक लैम डिश है। सो थिंग्स वर नॉट इन माय फेवर, बट अभी जो मेरे सामने है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। मास्टर शेफ इंडिया के फिनाले का पहला चैलेंज, तो टेस्टिंग शुरू करें। Bring it on. All right. आशिमा, अपनी डिश लेकर आइए। मैं इस पॉइंट तक बहुत ही फाइट करके, नेगेटिविटीज को साइड पर रख कर, फोकस करके पहुंची हूँ बहुत मुश्किल से, एंड अब बस आई वांट टू विन इट। मैं बिल्कुल किसी हालत में घर नहीं जा सकती। आप ये डिश किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? डेफिनेटली ये डिश मैं अपने डैड को डेडिकेट करूंगी, बिकॉज मेरी पूरी जर्नी के पीछे ही इज बिन माय मोटिवेशन एंड ही इज बिन माय पिलर ऑल थ्रू द जर्नी। इट्स अनबिलीवेबल जो आपने अचीव किया। थैंक यू। एंड नाउ वी गोना स्टार्ट टेस्टिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अगर प्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो ये डिश आपकी डिश से कितनी करीब है? काफी करीब है। इस लड़की की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही अच्छा है और टोटल प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है, सो आई वुड गिव फुल मार्क्स फॉर दैट। लेट्स टेस्ट। तो शेफ अतुल, क्या विचार है आपका इस डिश के बारे में? इसने बहुत अच्छी तरह से फ्लेवर्स कैप्चर किए हैं। एक एक चीज उभर के आई है। जो हुमस था, इट्स प्रीटी क्लोज टू माइन, एकदम मेरी तरह उसने बनाई है। आई थिंक आज के चैलेंज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फोकस। आशिमा ने फोकस लूज नहीं किया, आई थिंक इसलिए उसकी डिश काफी करीब है जो आप लेके आए थे। तो शेफ, मेरे ख्याल से जो रंप का पीस है थोड़ा सा अंडर कुक रह गया, लेकिन ये जो चॉप है परफेक्ट, परफेक्टली कुक्ड है, नो डाउट अबाउट इट। कुक्ड है, परफेक्ट कलर है, जिस तरह का डननेस आप चाहते थे जी वो रिक्रिएट करा है। जो चने की एलिमेंट्स आपने बोली, सारी की सारी बहुत ही बेहतरीन। ये एक ऐसी डिश है जो हमारे दिल, हमारी जुबान और नज़र तीनों पे एक अच्छा असर कर रही है फिलहाल, लेकिन ये भी देखना है कि बाकी लोगों ने इस डिश के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। लेट्स स्कोर। I'm proud of myself. मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं ये डिश कभी कंप्लीट करूंगा 2 घंटे में भी। मैंने अपने आप को पुश किया है, यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं दुखी होकर यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक हल्का सा एक कॉर्नर है जहाँ पे वो मेरे को कह रहा है कि आज yes, you are good. जब आपका कुक चल रहा था तो आखिरी कुछ मिनटों में मैंने देखा कि आप काफी हड़बड़ाए से हुए हैं। There was a lot of confusion. उस टाइम क्या हुआ था? एक्चुअली यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को अपनी टाइम पे डिश कंप्लीट करनी ही है। आई फील अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता, मैं इसको और अच्छे से फिनिश दे सकता था, इस डिश को और ज्यादा आगे लेकर जा सकता था, बट स्टिल एवरीथिंग एल्स इज देयर ऑन माय प्लेट। नाउ लेट अस टेस्ट। यस। थैंक यू। थैंक यू। होप यू एंजॉय। थैंक यू शेफ। गुड लक। शेफ अतुल, प्रेजेंटेशन कैसी लगी? प्रेजेंटेशन में आई वुड से काफ़ी अच्छा काम किया उसने, जितना कम समय था उसके पास, उसके बावजूद उसने काफ़ी खींचा है। फुल मार्क्स फॉर दैट, टू बी ऑनेस्ट, एफर्ट्स के लिए। शेफ अतुल, क्या सोचा आपने? चने की जो सॉइल बनाई है, अच्छी बनाई है। मैं मानता हूँ मैं ओवर क्रिटिकल था और मैं बार बार कह रहा था कि मुझे हुमस एकदम ठीक चाहिए, बट दिस बॉय, he has really pushed his boundary. उन्होंने अपनी
क्रिएटिविटी यूज करके एक नए तरीके का हुमस बनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट. आई क्वाइट एंजॉयड इट. सो इफ वी राउंड इट अप और अगर मेहरवान की उम्र का लिहाज करें अ यंग बॉय सो थम्स अप इन माय ओपिनियन. एक्सीलेंट. शुड वी स्कोर? लेट्स स्कोर. मन के अंदर कोई भी टाइप की गिल्ट रिग्रेट नर्वसनेस नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इससे बेटर मैं कर ही नहीं सकती थी. एक बहुत अच्छी डिश है टू सम अप माय एंटायर जर्नी इन मास्टर शेफ. सो बहुत प्राउड होकर आज मैं ये डिश जजेस के सामने लेके जा रही हूँ. कीर्ति, चारों फाइनलिस्ट में से अकेली आप ही वेजिटेरियन है. जब आपने ये मीट बेस्ड डिश देखी तो आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि लैम के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है इस किचन में. सो ऑब्वियसली लगा कि बाकियों को एक गिवन एडवांटेज मिल गई है. मतलब लैम पकाना आपके लिए एक बुरे सपने की तरह है और आज वही बुरा सपना आपने वाकई में हकीकत में उसको लिव किया है, उसको एक्सपीरियंस किया है. कीर्ति, रिजल्ट कोई भी हो एक बात तो पक्की है, आज आपने अपने फियर्स को कॉन्कर करा है. चलिए अब आपकी डिश टेस्ट करते हैं. थैंक यू. Thank you. शेफ, क्या लगता है आपको? आई थिंक बहुत ही खूबसूरत. कीर्ति ने सारे एलिमेंट्स एक्चुअली पिछले दो कंटेस्टेंट से ज्यादा बेटर डाले हैं टू बी ऑनेस्ट. मैंने गाजर डाली थी, रेडिश यूज की थी, अनियंस यूज किए थे, उसने वो सारी एलिमेंट्स लगाई हैं. आई थिंक ये कंपटीशन धीरे धीरे बड़ा टफ होता जा रहा है. अब देखना यह है कि फ्लेवर कहाँ तक पहुँचता है. लेट्स ट्राई. एक बात मैं बता सकता हूँ कि इसका लैम सबसे परफेक्ट पका हुआ है और जबकि ये बिल्कुल 100% वेजिटेरियन है. चना मसाला बहुत खूबसूरत, हुमस उससे ज़्यादा बेटर है. फ्रिटर, आई लव्ड इट. अगर देखा जाए एक डिश को जैसे शेफ आपने बनाई है तो एक उसमें हर एलिमेंट का उसमें होना एक रीज़न है उसका. जी, और इसने वो रीज़न को जस्टिफाई किया. मेरे हिसाब से ये मास्टर शेफ के फिनाले की डिश है. मुझे लगता है ये कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल होने वाला है हम चारों के लिए. चलो चलिए, लेट्स स्कोर. लेट्स स्कोरिंग. जो डिश मैंने जा रहा हूं वो मेरी आइडल का डिश है और अब मैं उसको प्रेजेंट करने वाला हूं. आई नेवर थॉट इट वुड हैपन. I'm really happy right now. थोड़ा nervous भी हूँ कि I don't know उनको कैसा लगेगा. I hope they're impressed. I hope उनको skill दिखे. But I'm happy. शफ़तुल, दिनेश की बनाई हुई इस डिश की प्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? काफी अच्छी है. उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. मुझे नहीं लगा कि ये कहीं भी स्ट्रगल कर रहा था. इसका कंट्रोल अपने डिश पर बहुत अच्छा था. लेकिन जो हमने पहले तीन डिशेस देखी हैं उसके कंपैरिजन में आई थिंक मुझे थोड़ी सी कम लगी. यानी प्रेजेंटेशन अच्छी है लेकिन जिस तरीके से आपने करी थी वैसी नहीं. वैसी नहीं. लेट्स टेस्ट. टेस्ट. अगर मैं साग की बात करूं, साग का जो फ्लेवर है मेरे ख्याल से बहुत उभर के आ रहा है. ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डिश है. देखना ये है कि ये बाकी डिशेस को बीट कर पाती है या नहीं. आई थिंक लैम बहुत ही खूबसूरती से पकाया है. मैं उसको फुल मार्क्स दूंगा. वेल, सॉस रोबस्ट फ्लेवरफुल क्योंकि अच्छे तरीके से भूनकर हड्डियों को बनाया गया था. सो उसके अंदर एक नेचुरल जेलेटिन है. स्ट्रांग है. आर्टिचोक्स ब्यूटिफुली टॉस्ड. उन्होंने फ्रिटर बनाया बहुत अच्छा. पालक बहुत अच्छा. सिर्फ हम उस थोड़ा सा वीक. छोटी सी चीज है. फॉरगेटेबल. Unforgettable. I don't know. Let's score it. अब बारी है स्कोर्स की. मन में कॉन्फिडेंस है. आई नो आई डिड माई बेस्ट टुडे एंड आई एम प्रीटी श्योर के जजेस को वो नजर आएगा. कीर्ति, आपकी डिश को मैंने दिए हैं 10 में से
कीर्ति नाइन आउट ऑफ टेन यानी नियरली परफेक्ट. कितनी मैंने आपको दिए पूरे. मुझे बस लग रहा है कि इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज नाइन इज ह्यूज. कीर्ति राइट नाउ मुझे लग रहा है कि मैं मास्टर शेफ जीत चुकी हूँ, क्योंकि इतने अकम्प्लिश्ड शेफ ने मुझे 10/10 दिया है. इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है. अब देखते हैं निर्वाण का स्कोर. सात. निर्वाण आठ. गुड जॉब. कीर्ति के तो बिल्कुल आसपास नहीं है. मेरे को अगर पूरे परफेक्ट 10 भी मिल जाते हैं तो भी मैं उसके आसपास नहीं पहुंचूंगा. निर्वाण अब सिर्फ दिनेश और आशमा के स्कोर के ऊपर ही मेरी जिंदगी तय होगी. आई एम जस्ट होपिंग कि आई हैव टू बी 30+ एनी हाउ. आशमा मैंने आपको दिए 10 में से 8 पॉइंट. गुड जॉब. गुड जॉब. गुड जॉब. मेरे हिसाब से आपकी डिश को 10 में से मिलने चाहिए 아시마 아까 스코어 35 कीर्ति आपका स्कोर 37. निर्वाण आई एम सॉरी लेकिन आपका मास्टर शेफ का सफर यहीं खत्म होता है. फिलहाल आप जाकर अपने दोस्तों के साथ खड़े हो सकते हैं. एक बड़ी स्माइल के साथ आज मैं जा रहा हूँ. कोई गम नहीं है यहाँ से जाने का. बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है यहाँ से. यहाँ पे आया अकेला था लेकिन एक फैमिली बना के जा रहा हूँ, एक मास्टर शेफ फैमिली. नाउ इट इज बॉइल्ड डाउन टू दिनेश एंड मी. जिससे सबसे ज्यादा मुझे इनिशियली डर लग रहा था, अब हम ही दोनों के बीच में आ गई है बात. बहुत ज्यादा प्रेशर है. आई कैन नॉट टेक दिस. देखते हैं आपके स्कोर्स क्या कहते हैं. इस बार हम शुरू करते हैं शेफ विकास से. यू डिड अ ग्रेट जॉब दिनेश. और उस डिश को मैंने दिए हैं पूरे 8. दिनेश आपकी डिश को मैंने दिए हैं 10 में से पूरे 9/10. दिनेश मैंने आपको दिए हैं 1. दिनेश एक नजर स्कोरबोर्ड की तरफ करिए.
आपका टोटल स्कोर है 26. आशिमा का स्कोर है 35. आपको टाई के लिए चाहिए 9 पॉइंट्स और जीतने के लिए अ परफेक्ट स्कोर 10/10. अब देखना है कि जज जुड़ावा को मेरा देश उतना अच्छा लगा कि नहीं. आई एम स्केयर्ड. It's like unbelievable. मैं यहाँ पे खड़े होके भी बिलीव नहीं कर पा रही कि मैंने आई हैव डन इट और मैं फिनाले में हूँ. लाइक इट्स लाइक आई कैन बी द मास्टर शेफ. अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. दैट्स द एंड ऑफ माय जर्नी हियर. लेकिन पता नहीं क्यों एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है, ज्यादा एक खुशी आ रही है दैट आई गॉट टू दिस पॉइंट. आई फील लाइक इस सफर में खोने से ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया. मास्टर शेफ इंडिया के टॉप 2 होम कुक्स. ऑलराइट आशिमा, कीर्ति, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. साथ ही साथ थैंक यू सो वेरी मच शेफ अतुल. थैंक यू कि आप लंदन से यहां तक आए. आपने ना सिर्फ हमारे इन होम कुक्स को एक बढ़िया सा चैलेंज दिया बल्कि इनको इंस्पायर भी किया कि वो आगे चल के क्या कुछ अचीव कर सकते हैं. थैंक यू गाइस. थैंक यू. ऑलराइट, ये है अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया और अब बारी है ग्रैंड फिनाले के आखिरी चैलेंज की. अब वक्त है हमारे इस सफर के आखिरी चैलेंज का, कीर्ति वर्सेस आशिमा. हमारे पास आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज. सोनाक्षी सिन्हा, तो आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 90 मिनट्स शुरू होते हैं अब. आशिमा, आज इस डिश के बाद जो भी नतीजा हो, मैं चाहता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस जो है अब बिल्कुल कभी खोने नहीं देंगे. यस सर. वो देखिए बाहर निकल रहा. वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्लो कुकिंग का इफेक्ट आए. लेकिन स्लो कुकिंग और 90 मिनट्स, यू नो, आग और पानी. मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5 के विनर का नाम है